Hello everyone, this is Shweta. And hi everyone, this is Saloni. So, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं एंड शुरुआत में ये जो दिन थे वो थोड़े से बोरिंग थे, आपके लिए भी बोरिंग होंगे एंड इवन दीज वर बोरिंग फॉर मी ऑल्सो. देन आई डिसाइडेड कि मैं अपने दिनों को बोरिंग तरीके से क्यों बिता रही हूँ, आई शुड डू समथिंग वैल्यूएबल. एंड मुझे लगा कि इन दिनों में सबसे बेस्ट चीज यही होगी कि आई शुड कुक समथिंग एंड हैव द टेस्ट ऑफ इट. सो आई डिसाइडेड कि मैं एवरी डे कुछ ना कुछ नया बनाऊंगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाऊंगी, जिससे कि लाइक आई शुड बी ऑन द प्रैक्टिस एंड देन टेस्ट का टेस्ट हो जाए. एंड आई कुक डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, जैसे कि डिफरेंट वेजिटेबल्स हो गया या फिर डिफरेंट डिशेज होगी. मैंने केक भी बेक किया, आई ऑल्सो बेक द बिस्किट एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक दैट. एंड इवन नॉट ओनली श्वेता मैम, नॉट ओनली मी, आई हैव सीन सेवरल ऑफ माई स्टूडेंट, कुछ मेरे फ्रेंड्स, कुछ मेरे रिलेटिव जो कि घर पर बैठे कुकिंग ही कर रहे हैं. दे आर यूटिलाइजिंग देयर टाइम. सो हमने सोचा, हमारी पूरी टीम ने सोचा, क्यों ना कुछ ऐसा लाया जाए इस बार वीडियो में जिससे आप लोगों की कुछ लर्निंग भी हो जाए थ्रू कुकिंग. जैसे आप कुक कर रहे हैं किचन में, तो कुक करते करते क्यों ना हम ऐसे यूटेंसिल्स के इंग्लिश में नेम जाने जिससे हमारी नॉलेज भी इंक्रीज हो जाए. सो दैट इज़ वाई वी आर हेयर टू प्रेजेंट अ वीडियो ऑन किचन वोकैबुलरी. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो नाउ टेल मी दैट व्हेन यू डू द कुकिंग, सो उस समय अगर आप वेजिटेबल्स बना रहे हैं तो किस चीज़ के साथ आप वेजिटेबल को स्टर करते हैं? टेल मी, किस चीज़ के साथ आप वेजिटेबल को हिलाते हैं? क्या आप करछी से हिलाते हैं? सो व्हाट डू वी कॉल करछी इन इंग्लिश? वी कॉल इट लेडल, LADLE, लेडल. सो नेक्स्ट टाइम यू विल से लेडल, नॉट करछी. बीइंग पंजाबीज, हम सब के घरों में आलू के पराठे बहुत फेमस हैं. एंड आपको पता है कि जब आलू के पराठे बनाए जाते हैं तो आलू उबालने के बाद जब आलूओं को मैश किया जाता है तो वो किससे किया जाता है? आई नो आप पिक्चर में देख ही रहे होंगे कि आलू को मैश करने के लिए कैसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है. बट एक्चुअली आपको पता है कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इट इज़ नोन एज मैशर, MASHER, मैशर. Have you heard the next word, wok? WOK. Wok means kadahi. After learning karchi, ab hum log aate hain kadahi ke upar. Kadahi means a utensil jisme aap vegetable cook karte hain. And usko English mein bolte hain wok. WOK. So next time you will also say wok. WOK. Okay. अब जिस किचन आइटम की मैं बात करने जा रही हूँ वो एक ऐसी किचन आइटम है जिसका मीनिंग, आई मीन जिसका नाम आप हिंदी में तो जानते होंगे एंड आई एम श्योर आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है. एंड दिस किचन आइटम इज परात. परात एक ऐसा ब्रॉड आइटम है जिसमें कि मोस्टली लोग जो आटे को गूंथते हैं, मतलब दे मेक अ डो. इवन अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मैं भी उस परात में आटा ही गूंथती हूँ. एंड यू नो व्हाट इट इज कॉल्ड? It is called high hib platter. Well, all my dear subscribers, अब मैं आपसे एक question पूछना चाहती हूँ. और वो question ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हम लोग सब्जी बनाते हैं कढ़ाई को छोड़ के, जो कि हमारे घर में different sizes में available होती है एंड उसी में हम लोग vegetables cook करते हैं. So guess what it is? It is patila. So अब ये पतीले को हम English में क्या बोलेंगे? We call it vessel. Vessel means पतीला, जिसमें आप लोग या मैं या सब लोग उसमें सब्जी को कुक करते हैं, चाहे वो किसी भी शेप में हो, चाहे वो किसी भी साइज में हो, आई मीन छोटा हो बड़ा हो. एटलीस्ट 2-3 टाइप्स ऑफ वेसल्स तो हमारे घर में ज़रूर होते हैं, कुछ मिल्क बॉइलिंग के लिए, कुछ सब्जी बनाने के लिए, कुछ और भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए. सो नेक्स्ट टाइम आप पतीला छोड़ के उसको वेसल बोलेंगे. ओके, अब मैं बात करने जा रही हूँ चाय के बारे में, टी के बारे में. अच्छा, मुझे जल्दी से आप सब लोग बताइए कि आप में से किन किन को चाय पीना बहुत पसंद है. अच्छा, चाय पीना छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आप में से किन किन को चाय बनाना पसंद है. अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर एक दो बार चाय बनानी पड़े तो मैं बना लूंगी, पर अगर एक दो से ज़्यादा चाय बनानी पड़े देन इट इज़ वेरी बोरिंग फॉर मी. अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आप चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद जब आप चाय को कप्स में डालते हैं तो उसको जिस चीज से पुना जाता है उस छाननी को क्या बोला जाता है? इट्स नोन एज टी स्ट्रेनर और सीव. टी स्ट्रेनर मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट जिससे कि आप चाय को पुन के
कप्स में डालते हैं. इट्स नोन एज टी स्ट्रेनर और सीव. वेल, अब मैं आपको एक बड़ी फनी चीज़ बताती हूँ. आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने न्यूली कुकिंग करनी स्टार्ट की थी. आई रिमेंबर यूजुअली मेरे कपड़े आगे से सारे गंदे हो जाते थे. सो माई मॉम ऑलवेज यूज टू रिब्यूक मी कि ये क्या किया है, काम किया है कि काम बढ़ाया है. एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा. सो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? थिंक, इस चीज़ का सोल्यूशन है एप्रन. एप्रन एक ऐसा पीस ऑफ क्लोथ है या जो ऐसा स्टिच किया गया है जो कि हम टाई करते हैं कुक करने से पहले, और उसको हम अपने नेक पे पहनते हैं और पीछे जाके टाई करते हैं, सो दैट जब भी हम लोग कुकिंग करें हमारी जो कहीं ड्रेस है वो ख़राब ना हो जाए. देन जब मैंने ये सारा ख़राब करना शुरू किया तो माई मॉम परचेज मी एन एप्रन, जिसके बाद अब मेरी ड्रेसेस बिल्कुल ख़राब नहीं होती व्हेनेवर आई डू द कुकिंग. एंड इवन आप लोग भी अगर ऐसा करते हो ना, सो गो एंड गेट योर एप्रन. और एप्रन जो है वो आप किसी भी कलर में, किसी भी साइज में, प्रिंट्स में मिल जाते हैं. आपको पता है हर घर में फ्राइड चीज़ें बहुत पसंद की जाती है. एंड आई एम श्योर आपके घर में भी फ्राइड चीज़ें बहुत पसंद की जाती होंगी, चाहे वो फ्रिटर्स हो गए, चाहे वो समोसाज हो गए, या और भी डिफरेंट सारी फ्राइड चीज़ें. एंड यू नो कि ऐसा एक यूटेंसिल जिसमें कि इन चीज़ों को फ्राई किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? इट्स नोन एज फ्राइंग पैन और स्किलट. फ्राइंग पैन तो आई थिंक सबको पता होगा, पर स्किलट वर्ड किसी किसी को ही पता होगा. सो इन स्पाइट ऑफ यूजिंग द फ्राइंग पैन वर्ड, यू कैन यूज द वर्ड स्किलट. सो फ्राइंग पैन इज जस्ट ऑफ 20-30 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड इट इज ऑफ फ्लैट बॉटम. कैन यू गेस व्हाट इज दिस? दिस इज टोंग्स और पिंसर. टोंग बोल दें चाहे पिंसर बोल दें, इट इज वन एंड द सेम थिंग. और हिंदी में हम इसे बोलते हैं चिमटा. चिमटा काम आता है हमें चीज़ें होल्ड करने में या फिर टर्न करने में. फॉर इंस्टेंस, इफ यू मेकिंग चपाती एंड वो बहुत गर्म है और आप उसको टर्न करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज टोंग्स. और टोंग्स आपके हाथ को जलने से बचाता है, सो डू यूज इट. ताकि जैसे जैसे आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं, आई होप आप साथ साथ वोकैबुलरी भी सीख रहे हैं, और इसको भी आगे से आप टोंग्स ही बोलेंगे. यू विल नॉट कॉल इट लाइक चिमटा, टोंग्स और पिंसर्स. डिशेस को बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं या अदर फूड आइटम्स हैं जिसको आप डायरेक्टली जस्ट कट करके इस्तेमाल नहीं कर सकते. एंड यू नीड टू ग्रेट दोज थिंग्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ स्टफ्ड पराठास बनाने हैं, जैसे कि आपको मूली के पराठे बनाने हैं या चीज़ पराठा बनाना है, सो यू नीड टू ग्रेट दोज थिंग्स. आपको मूली को ग्रेट करना पड़ेगा, आपको चीज़ को ग्रेट करना पड़ेगा. सो जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप इन चीज़ों को ग्रेट करते हैं उसको बोला जाता है ग्रेटर, GRATER, ग्रेटर. आर यू फॉन्ड ऑफ मेकिंग केक्स? और क्या आपको एग्स बनाना भी अच्छे लगते हैं? अगर आपको केक बेक करना या एग बनाना अच्छा लगता है, सो देयर इज नीड ऑफ वन यूटेंसिल जिसके बिना आप ये दोनों काम नहीं कर सकते, एंड दैट इज अ विस्क. विस्क एक ऐसा यूटेंसिल है जिससे आप व्हिपिंग करते हैं क्रीम की एंड एग की, एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर. दिस इज विस्क. अच्छा, आप सब लोग अपने घरों में मसालों को तो पीसते ही होंगे. आई नो टेक्नोलॉजी का ज़माना है एंड आपके घरों में ग्राइंडर भी मौजूद होंगे, बट आज भी कुछ ऐसे घर हैं जिसमें ये चीज़ मौजूद है. एंड यू नो जो नीचे वाला बोल है, कप शेप, आपको पता उसको क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज मॉर्टर. एंड वो चीज, वो टूल जिससे कि मसालों को पीसा जाता है, इट इज नोन एज पेसल. एंड ये दोनों चीजें हमेशा कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होती है, हमेशा पेयर में इस्तेमाल होती है. एंड इन कॉम्बिनेशन इट इज नोन एज मॉर्टर एंड पेसल. नेक्स्ट जो मैं किचन आइटम की बात करने जा रही हूँ, दैट इज वेरी मच पॉपुलर इन द किचन. बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है किचन में, और उसको हम कहते हैं चकला एंड बेलन. अब चकला क्या है? एक राउंड आइटम है किचन की, जो कि प्लास्टिक की भी हो जाती है, स्टील की भी होती है, मार्बल की भी होती है. अब आपके घर में कैसी है? आई डोंट नो, मेरे घर में तो मार्बल की है. और उसको हम इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग बोर्ड. और उसके साथ उसकी पेयरिंग में आता है बेलन. बेलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग पिन. रोलिंग पिन सिलेंड्रिकल शेप में होती है, इसके दो हैंडल्स होते हैं जो कि आपके डो को फ्लैटन करने में या फिर उसको लाइक रोटी बनाने में काम आता है. सो द न्यू टू वोकैब्स आर रोलिंग बोर्ड एंड रोलिंग पिन. ओके, कैन यू सी दिस? आई थिंक पिक्चर देख के आप सब लोग समझ गए होंगे कि ये एक्चुअली है क्या. इसको हिंदी में बोला जाता है तवा. एंड तवा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है किचन का जो कि रोटियां बनाने में मदद करता है. एंड यू नो
इन द मॉर्निंग जब मैं रोटियां बना रही थी, वन ऑफ माय फिंगर वाज बर्न्ड. चलो दैट्स अ पार्ट. अब मैं आपको ये बताती हूँ कि तवे को इंग्लिश में क्या बोला जाता है. इट इज नोन एज ग्रिडल, GRIDDLE. ग्रिडल. नेक्स्ट है सॉफ्ट पैन. अब ये सॉफ्ट पैन क्या है? सॉफ्ट पैन मीन्स एक ऐसा वेसल, वेसल में बता चुकी हूँ आपको कि पतीला होता है, ऐसा सॉफ्ट पैन जिसमें हैंडल लगा होता है एंड समटाइम्स आपको उसके ऊपर ढक्कन भी मिलता है. एंड अब मैं ढक्कन की भी इंग्लिश साथ में बता देती हूँ. ढक्कन इज नोन एज लिड. और जिस यूटेंसिल में साइड में हैंडल लगा होता है, ऊपर लिड लगी होती है और पतीले की शेप में होगा नीचे से, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्ट पैन. तो अभी दो वोकैब आपने सीखी, एक है सॉफ्ट पैन एंड द सेकेंड इज लिड जिसका मतलब है ढक्कन. ये तो वेजिटेबल्स बनाने में सबसे टफ काम क्या होता है? सबसे टफ काम ये होता है कि वेजिटेबल्स को काटना. हर वेजिटेबल को बनाने से पहले एक लेंदी काम करना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग काम करना पड़ता है एंड दैट इज नोन एज कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स. सो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यही कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स आसान हो जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के साथ, किचन इंस्ट्रूमेंट के साथ, विच इज नोन एज चॉपिंग बोर्ड और कटिंग बोर्ड. आपको पता है चॉपिंग बोर्ड आजकल मार्केट में अलग अलग तरीके से अवेलेबल है. कुछ चॉपिंग बोर्ड्स ग्लास की बनी होती है, कुछ स्टील की बनी होती है और कुछ मार्बल की बनी होती है. ये आपकी चॉइस है आप किस तरीके का चॉपिंग बोर्ड खरीदना चाहते हैं. यू नो व्हाट, व्हेनेवर आई कुक सम वेजिटेबल्स तो मुझे सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क लगता है उनको छीलना और उनको काटना. होल्ड अ सेकंड, छीलने को क्या कहते हैं? छीलने को हम लोग कहते हैं पील. और जो छीलने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट पीलर. सो नेक्स्ट टाइम जब आप भी कोई चीज छीले, इट कैन बी फ्रूट और एनी वेजिटेबल, सो आप जिसका इस्तेमाल करेंगे वो टूल को कहते हैं पीलर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट वोकैबुलरी ऑफ किचन आइटम्स. अगर आप ऐसे ही अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव करना चाहते हो और ऐसी वीडियोस आप और चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको और किस तरीके की वीडियोस चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. और अगर आपको ग्रामर की भी और वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएं. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन. थैंक यू वेरी मच.